प्रदेश में उपचुनावों में दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुशी जाहिर की है। वहीं उन्होंने कहा कि धर्मशाला उपचुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो गई है कि उनके प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए हैं। जो उपचुनाव थे उसका परिणाम निकला है धर्मशाला और पछाड़ विधानसभा क्षेत्र, और मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से धर्मशाला के मतदाताओं का और पछाड़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी विशाल नेहरिया जी 6,758 वोट से जीत हासिल करने के बाद हिमाचल की विधानसभा में पहुंच रहे हैं, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि धर्मशाला जैसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही, और तीसरे नंबर पर रहने के साथ साथ में अपना डिपॉजिट जो है वो लूज कर गई है, जमानत जब्त हुई है। और उसी प्रकार से हमारा दूसरा विधानसभा क्षेत्र पछाड़ विधानसभा क्षेत्र, वहां भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी रीना कश्यप जो है वो 2,742 वोटों से जीती है। दोनों हमारे जो नए विधायक हैं पहली बार चुनाव लड़े, और दोनों विधायक बहुत अभी आयु में छोटे भी हैं, और दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए नए नेतृत्व और नए नेतृत्व के साथ युवा नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक सीट और महिला विधायक की जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने से बची है।